गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपनी छत पे आई हूँ और मुझे लगता है कि बसंत आ रही है। सो ये देखें, आपको एक काइट है। ये देखें ये उड़ रही है। और ये देखें, ये मेरा साजो सामान साथ साथ ही रहता है, लैपटॉप और क्रोम बुक और ये पानी। ओए 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 ओए, मैं ये बताऊँगा करनी है। ओए ये है किधर गई। 2000 years later। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ बिया मलिक और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है मटन गोला कबाब। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह से अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो कर सके और आपके साथ मैं ऐसे ही अपनी रेसिपीज शेयर करती रहूँ। तो फिर देर नहीं करते गाइस, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ जिसका नाम है मटन गोला कबाब। तो सबसे पहले मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हमेशा की तरह। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है कुकिंग ऑयल, आपके सामने है। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है मटन का और ये है 1 पाव। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मिक्स कर दिया है और प्याज भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया चॉप किया हुआ। और अब ये आपके सामने है, ये है भुने हुए चनों का आटा जो कि मैं ले रही हूँ 4 से 5 चम्मच। नमक मिर्च की क्वांटिटी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे नमक ले रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, काली मिर्च ले रही हूँ 1/2 चम्मच, चाट मसाला ले रही हूँ 1/2 चम्मच, ज़ीरा ले रही हूँ 1 चम्मच और सूखा धनिया भी ले रही हूँ मैं 1/2 चम्मच। ये है सीख जिसकी मदद से हम गोला कबाब बनाएंगे और लेमन जूस जो है वो मैं सिर्फ 1 लीमू का ले रही हूँ। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरकीब की तरफ। सबसे पहले गाइस, आपने कीमा ले लेना है और इसके अंदर नींबू के रस को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, स्क्वीज़ कर लेना है। मैंने 1 लेमन लिया है और उसे मैं इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ और आप चाहें तो हाथ की मदद से भी निचोड़ सकते हैं, चाहें तो स्क्वीज़र की मदद से भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक मिर्च, ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, काली मिर्च, चाट मसाला और ये सूखा धनिया और ज़ीरा, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हर चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे मसाला हर तरफ चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा और मिक्स करती हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन का, चने का आटा, भुने हुए चने का आटा, वो मैंने सारे का सारा इसके अंदर डाल दिया है जो कि मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली। और आप इसकी कीमा अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आपने इसकी क्वांटिटी को कर देना है डबल, अगर कम ले रहे हैं कीमा तो आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना है। तो अगर आप बीफ का भी बना रहे हैं, बीफ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स सेम है, आप बीफ के कीमे के साथ भी यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसे हाथों की मदद से, आप देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बनाना शुरू करेंगे गोला कबाब। तो आपने थोड़ा सा हाथों पे पहले थोड़ा सा आपने लगा लेना है घी, ठीक है, ऑयल लगा सकते हैं तो ऑयल लगा लीजिए, घी लगाना चाहते हैं तो घी लगा लीजिए। अच्छा, ऑयल लगा लिया है और ये अब आपने क्या करना है, सीख के ऊपर जो है कीमा जो है हमने लिया हुआ है उसको सेट करना स्टार्ट करना है अपने हाथ की मदद से। जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं बड़ा रख सकते हैं, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं तो
छोटा साइज़ रख सकते हैं, ठीक है। मैं इस साइज़ के बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। स्लोली स्लोली आपने इसको प्रेस करते रहना है, इसकी शेप देते रहना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा, आपके गोलगप्पा वैसे ही बनेंगे जैसे मेरे बन रहे हैं। सी के ऊपर आपने इसी तरह से इसे सेट कर लेना है, और अब आप देखें इसे सेट कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे स्टे देंगे और फिर आपने इसके ऊपर सी के ऊपर से इसे उतार लेना है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टे दे रही हूँ और आपको सी के ऊपर से इसे उतार कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बना है। तो अब आपने क्या किया, ये मैंने सी के ऊपर से उतार लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मैंने प्लेट पर रख लिया है। देखें गोला कबाब बिल्कुल सही तरह से बन गया है, ये तकरीबन सी कबाब की तरह भी है, और अब ये बन चुके हैं। इसी तरह स्लोली स्लोली मैं सारे बना लूँगी और आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा लेना है कीमा, मैंने फिर से कीमा ले लिया है, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही उनसे अच्छी तरह समझ लें। इसी तरह आपने क्या करना है, ये आपने सीख के ऊपर ये लगा लेना है कीमा ऐसे, ठीक है। और उसको स्लोली स्लोली आपने प्रेस करते जाना है। जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना लें, छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, और आपके मज़ेदार से गोला कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको सीख के ऊपर से आपको दूसरा भी उतार कर दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे बन रहा है। हम इसे भी उतार के दिखाएंगे ताकि आप किसी भी स्टेप में कंफ्यूज ना हो। आपने इस तरह से प्रेस करके और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये निकाल लिया है। इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे गोला कबाब बना लिए हैं और एक ही साइज़ के बनाए हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक साइज़ के ही बने ताकि ये दिखने में अच्छे लगें। अब ये सारे बन चुके हैं, अब चलते हैं इसके फ्राई प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अपने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब हम स्लोली स्लोली जो है अपने कबाब इसके ऊपर रखना स्टार्ट करेंगे। कबाबों को हमने बिल्कुल स्लोली स्लोली रखना है ताकि ये टूटे ना और बिल्कुल सही से बन जाए। और अब इसको फ्राई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसे इसकी एक साइड जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी नेक्स्ट लुक। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कबाब की एक साइड जो है वो लाइट ब्राउन सी हो चुकी है, और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी लुक आई है इसकी और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखने में। एक साइड इसकी लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन सी हो चुकी है और मैंने चेंज कर दिया है। जैसे इसकी दूसरी साइड भी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन सी हो जाएगी तो मैं इसे कट ऑफ कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल। तो ये थी हमारी आज की ईजी सी आसान सी रेसिपी, होप आपको ये पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ्रेंड सर्कल की वीडियो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसकी साइड जब गोल्डन ब्राउन होती है तो वैसे प्लेटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल। तो क्या तो प्लेटिंग की तरह। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने अपने गोला कबाब को जो है वो प्लेट आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी लुक आई है, और ये देखने में भी जितने मज़ेदार लग रहे हैं उतने ही खाने में भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी यानी पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, और साथ में मैंने हमेशा की तरह कोका कोला लिया है। अच्छी लगती है इसके साथ और मज़ा भी आता है। इसे आप गरम गरम की रोटियों के साथ अगर सर्व करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। इसे खाइए और बनाइए और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिए और ईद को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कीजिए। एक बार फिर से सब मुसलमानों को दुनिया पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ से लोग मुझे वॉच कर रहे हैं सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, बात रहें, और इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को जो है लाइक करते रहें। तो गाइस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल
ताकि चैनल जो है ग्रो कर सके। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी रेसिपी है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वो सिखाने की। तो फिर ऑन दिस नॉट मैं भी अमलिका बाप से अलविदा लूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।